ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं केरला। तो सबसे पहले बैग को करेंगे सैनिटाइज, खुद को करेंगे वॉश इन बाथरूम, और उसके बाद थोड़ी बहुत बात करेंगे कि रेलवे में क्या क्या ज़रूरत होती है। अभी आज हम जा रहे हैं केरला, मेरा सफर शुरू हो रहा है। टॉयलेट देख लेते कैसा है। टॉयलेट साफ सुथरा है, टॉयलेट 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 दिखा रहे हैं हम आपको, देख रहे हो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, डस्टबिन, शुरुआत हो गई है। सफर की भयानक शुरुआत, ट्रेन की खाड़ी है दोनों इधर ही है। हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं केरला, और शुरू में ही मैं बता देता हूँ कि हमें आजकल ई पास या कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। सिर्फ वो लोग जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोविड का टेस्ट कराना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 7 दिन का क्वारंटाइन भी है उनका। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेत्रावती एक्सप्रेस ट्रेन का सफ़र, देखेंगे बहुत सारे पहाड़, वाटरफॉल, रिवर क्रॉसिंग, ट्रेन क्रॉसिंग और बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको पूरा का पूरा ट्रेन जर्नी देखना है तो आप लोग पूरा देख सकते हो, बहुत सीन्स बहुत ही अच्छे हैं, तो पूरा देख के जाओ ट्रेन का सफ़र। नाउ वीडियो काफ़ी लंबा है क्योंकि ट्रेन का सफ़र होता ही है काफ़ी लंबा, और हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम महाराष्ट्र से केरला तक, तो ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। नाउ हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, नेत्रावती एक्सप्रेस 06345, नेत्रावती एक्सप्रेस टू बी प्रिसाइज, बहुत बार सुनाइए। हम लोग पहुँच के हम लोग के डेस्टिनेशन पे 3:40 तक नेक्स्ट दिन। तो बस इतना लंबा छोड़ा सफ़र, अभी देखते हैं एक ट्रेन क्रॉसिंग। सूर्यदेव है वहाँ तो हम
हमारी ट्रेन रत्नागिरी में रुकी हुई है पिछले 2 मिनट से, बस 5 मिनट का स्टॉप है। ही खत्म हो गई। रत्नागिरी गेला आता गुफा येणार मला वाटत आहे मला पण। एक घंटे से बाहर हवा बहुत फास्ट है तो ना हवा।
सोलर पैनल्स लगा हुआ है यहाँ पे, उतरने का वक्त हो गया फाइनली। वो खुला है, चलो उतरा जाए। तो बस हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, नीचे जो लोग हैं वो डायरेक्ट ट्रैक से गए पर हम लोग ऊपर से जा रहे हैं। वैसे वाले प्लेटफॉर्म में लोग उतरते नहीं है, ये हमारे मामा है पवन मामा जो हमें पिकअप करने आए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर तिरुवल्ला। तो अम्बलपुरा से तिरुवल्ला तक हम लोग जाएंगे वाया रिक्शा, क्योंकि जो ट्रेन है तिरुवल्ला के लिए वो फिलहाल के लिए तो बंद है।
ना यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर्स पर आ जाएगा हम लोग का घर। वैसे जो भी लोग ट्रैवल करने आ रहे थे वो लोग तो बिंदास घूमने वाले हैं अभी, पर हम लोग क्योंकि मामा के घर पर जा रहे हैं तो हम लोग 1-2 दिन तक अंदर ही रहेंगे। बस सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा 1-2 दिन तक अंदर रहेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे क्रॉसिंग। नाउ यहाँ राइट हैंड साइड पे एक फेमस पोएट का घर है जो कि मेरी मम्मी हमेशा बताती है मुझे। रेलवे क्रॉसिंग के बाद हमें बस जाना है सीधा सीधा, तो बस ये कि रेलवे क्रॉसिंग आता है मेरे रूट पे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे घर पे। और देखता हूँ ये वाला वीडियो में वैसे डालूँ नहीं डालूँ सोच रहा था, इसलिए 2-3 दिन से इसे एडिट नहीं किया, पर आज कर रहा हूँ तो आज डाल दूँगा। वैसे केरला में बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, तो बाहर तो गया नहीं। लेट्स सी कोई प्लान बनता है केरला में किधर जाने का तो उसका भी एक वीडियो आ जाएगा। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ के रोड वैसे तो सिंगल लेन है पर काफ़ी स्मूथ है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं, एक भी खड्डा नहीं, कुछ भी मिला नहीं पूरे रास्ते, और लेन मार्किंग्स भी एकदम प्रॉपरली मेंटेन है। रात को यहाँ पर चलाएंगे तो मस्त स्ट्रीट चमक उठती है, तो वो भी वीडियो आ जाएगा कभी ना कभी। तो बस चलो बाय, वीडियो कैसा लगा बताना। मुंबई के वीडियोस थोड़े दिन के बाद आएंगे, पर आएंगे, ठीक है, चलो बाय।